मुंबई हमले का सच कबूला तो पाकिस्तान में गद्दार हुए शरीफ। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जुबान काट लेने की धमकियां। पाकिस्तान पर आज जो जुबान नवाज शरीफ ने डॉन को इंटरव्यू देते हुए इंडिया में ताजमहल होटल का इल्जाम पाकिस्तान के अदारों पर लगाया है, अगर मैं हुक्मरान होता खुदा की कसम नवाज शरीफ की जबान कुत्ती से खींच लेता और कुत्तों को डाल देता। ये पाकिस्तान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता इमरान खान के साथी हैं, जो मुंबई हमले का सच कबूल करने पर नवाज शरीफ की जुबान काटकर कुत्तों को खिलाना चाहते हैं। ये बात पाकिस्तान को चुभ गई है कि आखिरकार नवाज शरीफ की जुबान से सच क्यों फिसल गया। अब जो नवाज शरीफ ने कहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे इसने सिर्फ एक वजह से कहा है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर डलवाना चाहता है पाकिस्तान के इदारों पे कि इसका जो 300 अरब रुपया इसके बच्चों के पास लंदन में पड़ा हुआ है किसी तरह वो बच जाए। इसको वफादारी अपने 300 अरब रुपए से है, इसको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया में बदनाम हो। हमारे मुखालिफ उनका मौकफ हमारी फौज के साथ दुनिया में जाए उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ फिक्र यह है कि 300 अरब रुपया उसके बच्चों का नाम पे जो पड़ा हुआ है चोरी करके इस मुल्क का बाहर गया वो बचे। तो मुझे ये बताएं इसमें और मीर जाफर और मीर सादिक में क्या फर्क हुआ। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मॉडर्न मीर जाफर और पाकिस्तान का गद्दार बता दिया, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान के किसी नेता ने पाकिस्तान को अपना वो चेहरा देखने को कहा है जिसमें आतंकवादियों को भेजकर मुंबई जैसा हमला करवाता है और इन हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद जैसे आतंकियों को खुली छूट देता है, इनके गुनहगारों को बचाने में पूरा जोर लगा देता है। पाकिस्तान के अखबार डॉन को दिया इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा था, पाकिस्तान में अभी आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, क्या हम उन्हें सीमा पार करने और मुंबई में 150 लोगों की हत्या करने की इजाजत देनी चाहिए? मुझे बताइए, क्या कोई मुझे इस बात का जवाब देगा? रावलपिंडी के एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुंबई हमलों का ट्रायल लंबित पड़ा है, हमने सुनवाई पूरी क्यों नहीं की? हम तो केस भी पूरा नहीं चलने देते। अब यही बात पाकिस्तान को चुभ गई कि नवाज शरीफ की जुबान से सच कैसे फिसल गया जिसने पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने कबूल लिया। पाकिस्तान को लगता है कि अब तक पाकिस्तान के नेताओं के लिए जो बंद कमरों की बात थी वो अब खुलकर सामने क्यों आ रही है। आप 4 साल बाद अब चले गए हैं, सिरिल अल्मेडा वही जो डॉन लीक्स अल मशहूर डॉन लीक्स के, वो उनसे पूछते हैं कि आपको निकाला क्यों गया, और फिर सिरिल अल्मेडा खुद लिखता है कि बजाय उस चीज का जवाब देने के वो अपनी गुफ्तगू दूसरी तरफ ले गए, शिकायत की तरफ ज्यादा माइंड दूसरी तरफ ले गए कि हम जो है ये यहाँ पे इन्हें आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहें जो भी कहें, हमें क्या अलाउ करना चाहिए, मतलब है हमें क्या इजाजत देनी चाहिए कि वो जाएं मुंबई पे हमला करें। इसका मतलब है जो हिंदुस्तानी कह रहे हैं उसकी तस्दीक साबिक वजीर आजम कर रहे हैं तो पीछे फिर रह, और इंडियन मीडिया ने यही पकड़ लिया बात। लेकिन जो बातें सारा कुछ यही बात, हारून साहब जो बातें बंद कमरों में होनी चाहिए थी वो इस तरह खुले बंदों क्यों हो रही। पाकिस्तान कितना भी बंद कमरे की बात करता रहे ये सच दुनिया जानती है कि मुंबई हमले किसने करवाए, मुंबई हमले का गुनहगार और मास्टरमाइंड कैसे पाकिस्तान में अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। नवाज शरीफ ने तो सिर्फ सच कबूला है जो उसकी मीडिया और नेताओं से लेकर फौज तक सबको चुभ रहा है। मैं कहता हूं कि रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए लेकिन फौज को फॉरन नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलवानी चाहिए और उसमें ये इशू डिस्कस होना चाहिए ताकि इसको फॉर्मुलेट किया जाए, इसके ऊपर पॉलिसी को के आगे करना क्या है, क्योंकि ये इससे वेरी डैमेजिंग थिंग। और पीएम मियां साहब ने कहा जी कि हमारा नैरेटिव जो है वो नहीं माना गया, ये बरखुदार तुमने खुद कभी मुंह नहीं खोला। पहली बात, 4 साल तुमने को वहां पे फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा, सबसे घटिया काम तो मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री में हुआ कि जहां कभी कोई पाकिस्तान के नैरेटिव को किसने आगे चलाने की कोशिश ही नहीं की, ये ले बैठा पूरे मुल्क को।
पाकिस्तान की सेना इसलिए चिड़ी है क्योंकि आतंकियों को पालने पोसने और आतंक का सप्लाई का काम वही करती है। हाफिज सईद जैसे आतंकी उसकी वजह से खुलेआम घूमते हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सेना की तरफ इशारा करते पहली बार आतंकी संगठन को पालने और मुंबई हमले के बारे में बात कही है, लेकिन ये दुनिया के लिए नई बात नहीं है। चीज को रिवील करना इस वक्त वो कितना डैमेजिंग है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए। बिल्कुल सही। क्या उन लोगों को ये नहीं पता था? क्या ये हर चीज छाप देंगे जितना भी मुल्क को नुकसान हो? माय गॉड, मैं तो कहता हूं ये ट्रीजन है, ये तो आराम से वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स है। ठीक है। ता हयात, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आप एक वादा करते हैं, आप एक ओथ लेते हैं और वो ता हयात होता है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। आप वो नहीं कह सकते कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं तो जो मर्जी मैं बता दूं। जी जी, और ये सब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, साथ ये भी बता दें कि आप वाकई इस मसले पर फौज को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग फौरी तौर पर बुलानी चाहिए, इस मसले को सीरियसली टेकअप करना चाहिए। देखें, बेसिकली वो तो करना ही चाहिए। नवाज शरीफ की काफी अरसे से पाकिस्तान की सेना से बन नहीं रही थी। उनकी पीएम वाली कुर्सी के जाने के पीछे भी पाकिस्तानी सेना का छुपा हाथ बताया जाता है। उन्हें चुनाव लड़ने और पार्टी के अध्यक्ष पद से भी अयोग्य ठहराया जा चुका है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब पाकिस्तानी सेना और सिस्टम का सच खुद पाकिस्तान के नेताओं की जुबान पर आने लगा है।